मीटिंग्स तो हम सब अटेंड करते हैं फिर चाहे वो ऑनलाइन मीटिंग हो या ऑफलाइन मीटिंग हो बट आप में से कितने लोगों को बेसिक मीटिंग के एटिकेट्स के बारे में पता है फ्रेंड्स आई एम मनिका सांभुर और आज के एटिकेट्स की सीरीज में मैं आपके लिए लाई हूँ फाइव मीटिंग एटिकेट्स सो द फर्स्ट मीटिंग एटिकेट इज़ कि कभी भी आप किसी मीटिंग को होस्ट कर रहे हो और यू आर अ पार्ट ऑफ दैट मीटिंग यू शुड ऑलवेज़ बी पंक्चुअल जब हम पंक्चुअल होते हैं जब हम टाइम पे मीटिंग को ज्वाइन करते हैं तो हम पूरी मीटिंग को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं हम पूरे कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर पाते हैं और हम uh, ये शो कर पाते हैं कि हम टाइम की वैल्यू करते हैं सो नेवर बी लेट इन एनी ऑफ द मीटिंग्स द सेकेंड मीटिंग एटिकेट इज दैट यू शुड नो योर ऑडियंस इन एडवांस नाउ लेट इफ यू आर द होस्ट ऑफ द मीटिंग यू मस्ट नो योर ऑडियंस इन एडवांस कौन किस एज ग्रुप का है किस कंट्री और किस स्टेट का है आपको एटलीस्ट बेसिक पता होना चाहिए अपनी ऑडियंस के बारे में अपने पार्टिसिपेंट्स के बारे में उनका क्या बैकग्राउंड है सो दैट यू कैन स्पीक इन दैट पर्टिकुलर वे अगर आपको पता है कि वो किस टाइप के बैकग्राउंड से हैं तो आप उस स्टाइल में अपनी मीटिंग को कंडक्ट कर सकते हो द थर्ड मीटिंग एटिकेट इज़ दैट यू शुड प्लान द एजेंडा ऑफ द मीटिंग इन एडवांस सो वेल फ्रेंड्स आपको पता है कि कोई भी मीटिंग बिना एजेंडा के नहीं होती देर इज ऑलवेज अ टॉपिक फॉर द मीटिंग देर इज ऑलवेज अ टकशन सो यू शुड ऑलवेज टेल दैट टॉपिक इन एडवांस टू योर ऑडियंस सो दैट एवरीबडी इज़ वेल प्रिपेयर्ड सब मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे कि मीटिंग किस बारे में होने वाली है तो आपको बहुत क्लैरिटी से उस पर्टिकुलर टॉपिक को अपने ऑडियंस को पहले ही एडवांस में बता देना चाहिए

ये जो प्रॉब्लम है कि हम टाइम पे स्टार्ट करके स्टॉप नहीं करते इससे हम कहीं ना कहीं जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनका इंटरेस्ट लूज हो जाता है हम उन, उन, उनका इंटरेस्ट लूज करा देते हैं वी शुड ऑलवेज़ कीप दिस थिंग इन माइंड कि अगर एक मीटिंग का टाइम वन आर है या टू आव है तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम उस पर्टिकुलर डे में उसी टाइम पर एंड करें फिर अगर वो

and the last and the fifth meeting etiquette is that you should not wait for the लेट कमर्स कितनी बार होता है कि कोई पर्टिकुलर होस्ट है और वो सबकी वेट करते रहते हैं कि जब सब पार्टिसिपेंट्स आएंगे तो मीटिंग स्टार्ट होगी वेल इस वजह से कई बार मीटिंग डिले हो जाती है और जो लोग टाइम पर आते हैं उनको भी अननेसरी वेट करनी पड़ती है लेट कमर्स की सो वी शुड नॉट वेट फॉर द लेट कमर्स आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपका जो स्केड्यूल टाइम है आप उसी टाइम पर स्टार्ट करें और आप सबकी वेट ना करें इवन इफ देर आर टू पीपल इन द मीटिंग यू कैन ऑलवेज स्टार्ट ऑन टाइम सो दैट यू कैन सेव एवरीबडीज टाइम सो दीज बर दो दीज द फाइव मीटिंग एटिकेट्स आई होप दैट यू विल रिमेंबर दिज एटिकेट्स और आप अपनी मीटिंग्स में इसे इन्हें जरूर अप्लाई करेंगे सो थैंक यू फॉर द डे साइनिंग ऑफ बाय बाय